हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो 44th एनुअल जनरल मीटिंग हुई है रिसेंटली जून क्वार्टर में, जून के मंथ में अभी। तो उसके हाइलाइट्स के बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने किस कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो लोग बता रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में ये लोग कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले, किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रो करेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करेगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा हाथ है इंडियन इकोनॉमी में भी। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो कंपनी है वो भी रिलायंस है। इंडिया से जो सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों में, उसका 7% के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले करता है, तो काफ़ी बड़ा प्लेयर है। तो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में कितनी हाईलाइट, कौन कौन सी पॉइंट्स ऐसे हैं जो हाईलाइट्स हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि रिलायंस का जो मेन बिजनेस है ऑयल टू केमिकल वाला, जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो है ऑयल प्रोडक्शन करते हैं वो लोग, उसका जो है 20% स्टेक, ऑयल टू केमिकल वाले बिजनेस का 20% स्टेक वो सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है, उसको बेचने वाले हैं। और ये जो बंदा है यहाँ पे यासिर बिल ओथमान अल रामायन, उसका इंटरेस्ट भी है इस बिज़नेस को ख़रीदने के लिए, क्योंकि वो इसके चेयरमैन है सऊदी अरामको के। तो ये जो बंदा है ये हार्वर्ड से पढ़ा लिखा बंदा है और ये इस वक्त जो है इसमें चेयरमैन है सऊदी अरामको में। और तो मुकेश अंबानी जी ने जो है अपनी 2 साल पहले की एनुअल जनरल मीटिंग 42 वाली एनुअल जनरल मीटिंग में ये अनाउंस किया था कि ये लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि जो जामनगर की जो इनकी रिफाइनरी वाली फैक्ट्रीज हैं उनमें जो है 20% स्टेक जो है सऊदी अरामको को देना चाहते हैं और उनको जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहते हैं अपने इस बिजनेस के अंदर। तो उस डील के लिए 15 बिलियन US डॉलर जो है इनको मिलने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और ये जो डील है अभी फाइनल होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, यानी इस साल, पिछले 2 सालों में ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न ये भी है कि कोरोना का इफेक्ट रहा, साथ में इकोनॉमिक स्लो डाउन भी रहा वर्ल्ड वाइड, और उसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिरे थे बीच में, तो ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। हालांकि जो रिलायंस का जो मेन बिज़नेस तो यही है, अभी जो रिसेंटली वो ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस को एक क्लीन एनर्जी की तरफ और रिलायंस जियो की तरफ, साथ में रिलायंस रिटेल की तरफ। ये जो 3-4 सेक्टर है ये अभी न्यू जनरेशन वाले सेक्टर कह सकते हैं, और जो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है ऑयल वाला, ऑयल टू केमिकल, वो जो है सऊदी अरामको को ये बेचना चाहते हैं 20% स्टेक अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस का। तो इस ये एक पॉइंट था। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है वो जियो फोन के बारे में कहा है कि जो जियो के अंदर जो है काफ़ी सारी उन्होंने स्टेक जो है बेचा है बड़े बड़े प्लेयर्स को, लाइक पिछले साल बेचा था, आपको याद होगा, फेसबुक को बेचा था, सऊदी की कुछ कंपनीज को बेचा था। इसके अलावा तो बड़े बड़े प्लेयर्स को बेच करके उन्होंने लगभग 3.5 लाख करोड़ पिछले साल जुटाए थे रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म से बेच बेच के। तो अभी जो है जियो और गूगल दोनों मिलकर के 5G इनेबल्ड फ़ोन मार्केट के अंदर लाने वाले हैं, और उनका कहना है कि जो 2G मुक्त बना देंगे भारत को, यानी 2G की सर्विसेज जो अभी मेनली वोडाफोन आइडिया और कुछ हद तक जो है एयरटेल भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन रिलायंस जियो का प्लान है कि आने वाले सितंबर मंथ में, यानी इसी साल सितंबर में 2021 के अंदर, तो वो अपना एक फ़ोन 5G इनेबल्ड फ़ोन लेके आ जाएंगे जो कि 2G मुक्त कर देगा भारत को और 5G युक्त करेगा भारत को। इसके लिए जो है जियो और गूगल ने हाथ मिलाया हुआ है और वो दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो अपना इस हिसाब से काम कर रहे हैं। साथ में इनका जो कंपटीटर है एयरटेल, उसने भी जो है इंडिया की लीडिंग कंपनी है TCS, उसके साथ कोलाब्रेशन या स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर, कि वो लोग भी जो है जियो के इस प्लान को कम्पीट कर पाएँ और 5G रोल आउट कर पाएँ इंडिया के अंदर। तो इंडिया में इस रोल आउट के लिए एयरटेल और TCS ने जो है अपना हाथ मिलाया है और वो इसको कम्पीट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं जियो और गूगल जो है मार्केट लीडर ही रहने वाले, क्योंकि ये ओवरऑल दोनों कंपनीज अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनीज है और इनकी जो सर्विसेज होगी नो डाउट इनके साथ कंपेयर करेंगे तो शायद अच्छी ही होगी, हालांकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो इन्हीं की बनती क्योंकि ये बड़ी कंपनीज है, पर एयरटेल और TCS भी कोई छोटी कंपनीज नहीं है। तो ये भी आप लोगों के न्यूज़ साथ में देखना चाहिए कि एयरटेल और TCS ने भी हाथ मिलाया है 5G प्लान्स को रोल आउट करने के लिए इंडिया में, और ये भी इसी साल हो जाएगा 2021 के अंदर सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट है इनका कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्लान है इनका 2030 या 35 तक, पहले 35 कहा था, अभी जो रिसेंटली इन्होंने 2030 कहा है
कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ज़ीरो कार्बन एमिशन वाली कंपनी बना देंगे, यानी इनकी जो कंपनी है, इनकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उनके थ्रू जो कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो कार्बन एमिशन वाली कंपनी बनाना चाहते हैं। इसी सेक्टर को ध्यान में, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पिछला जो देखा था आपने कि ऑयल टू केमिकल वाला जो बिज़नेस है, रिफाइनरी वाला बिज़नेस है, उसको अब 20% स्टेक जो है इन्होंने सऊदी अरामको को बेचने का प्लान किया है। साथ ही जो है ये इंडिया के अंदर 4 गीगा फैक्ट्रीज डालने वाले हैं 60 करोड़ रुपए की लागत में। गीगा फैक्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले टेस्ला लेके आया था 2017 या 2015 के आसपास। तो टेस्ला की जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पे ये वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, वहाँ पे इस तरह की गीगा फैक्ट्रीज के थ्रू उनका जो है ये बैटरीज बनाते हैं। तो इसी तरह का जो प्लान है वो मुकेश अंबानी जी का भी है, वो इंडिया में इस प्लान को बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में वो 4 गीगा फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 60,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया और 15,000 करोड़ का फंड इन्होंने जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करने के लिए लिया है। तो टोटल मिला के 60 और 15 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने क्लीन एनर्जी के लिए किया है, जो कि इनका प्लान है कि 2030 तक इस प्लान के ऊपर काम किया जाए। तो ये काफ़ी बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो गया है मुकेश अंबानी जी का, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस से निकल के एक नए बिजनेस की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं। हालांकि जियो, साथ में रिलायंस रिटेल, साथ में एनर्जी, इस तरह का जो है इनका बिजनेस स्विच कर रहा है एक तरह से आप कहेंगे तो। इसके अलावा इनकी चौथी बड़ी बात ये है कि इनका जो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है वो ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में, यानी 2035 तक, अपने रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है उसको 3 गुना कर देंगे। यानी आज का जो प्रॉफिट है 2021 में, उससे 3 गुना प्रॉफिट इनको 35 तक मिला करेगा। तो इस तरह से ये बड़ा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इनका कहना है कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है अजियो जो कि अपैरल बिजनेस है इनका, अपैरल मतलब कपड़ों का बिजनेस है, जो कि लगभग 18 करोड़ यूनिट्स इन्होंने पिछले साल 2021 में बेचे हैं। यानी कि पर डे के हिसाब से देखेंगे तो 500,000 कपड़े पर डे के हिसाब से बेचे हैं पिछले साल। ये इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों तरफ का यूनिट्स का कंसोलिडेटेड डेटा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो बेचती है रिलायंस डिजिटल, उसने भी 4.5 करोड़ यूनिट्स बेचे हैं पिछले साल। यानी हर दिन 1.25 लाख इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या डिजिट्स बेच रहे हैं वो, यानी यूनिट्स बेच रहे हैं। और इसके अलावा जो है ग्रोसरी रिटेलर, जैसे मान लीजिए रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, या फिर जियो मार्ट हो गया, इसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने पिछले साल 30 लाख यूनिट्स डेली के हिसाब से बेचे हैं, 30 लाख डेली बेचे ग्रोसरी बिजनेस के अंदर, जो ग्रोसरी का बिजनेस है यानी दूध, सब्जी, दाल, ये जो रिलायंस फ्रेश में बेचते हैं उसमें। और जियो मार्ट भी जो है 6.5 लाख पर डे के हिसाब से इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये सब जो है काफ़ी अच्छा। जियो मार्ट का भी आपने सुना होगा, जो जियो और फेसबुक ने जो है अपने व्हाट्सएप के थ्रू जो है इनका बिजनेस मॉडल बनाया था जियो मार्ट करके, जहाँ पे रिटेलर जो नॉर्मल दुकानदार हैं वो भी इसमें अपना ऐड कर सकते हैं और सामान बेच सकते हैं। तो जियो मार्ट का एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा जो है नीता अंबानी जी ने कहा है कि इनका जो कॉरपोरेट वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है रिलायंस के अंदर वो काफ़ी बड़ा लार्जेस्ट चल रहा है एक तरह से, और अपने जो रिलायंस के एम्प्लॉइज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट वैक्सीन लगाई जा रही है, मेनली जो है कोविशील्ड की वैक्सीन दी जा रही हैं। तो ये एक इनका पॉइंट था इस एजीएम में। तो ये था इस एजीएम के मेन बड़े मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं इस चैनल पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप लोगों को अपडेट रखता हूँ। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।